नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन कोष्ठकम के चाइल्ड की पर्सनैलिटी के बारे में। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जैसे आगे कोई वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। कोष्ठकम का एक स्वच्छ आदत के बच्चे के लिए अनुकूल है, जिनमें से हालांकि आम तौर पर और विशेष रूप से पैरों के बारे में छीड़ होते हैं, पेट बड़ा और छोटा होता है, चेहरा मानसिक स्थिति की एक सही तस्वीर है और इस कोष्ठकम के कम उत्साही स्टेट के बारे में स्पष्ट है। चेहरा चिकना और बीमार लग रहा है, दिखने में इस तरह के हो सकते हैं। संवेदनशीलता, एक कोष्ठकम का बच्चा बहुत संवेदनशील होता है, लेकिन यह संवेदनशीलता शारीरिक संवेदनशीलता के बजाय एक भावनात्मक है। वे दर्द के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, लेकिन किसी भी भावनात्मक गड़बड़ी के लिए विशेष रूप से संवेदनशील हैं। वे दूसरे के प्रति बेहद सजग होते हैं और दूसरों की पीड़ा के प्रति सहानुभूति रखते हैं। भावनाओं को बहुत तीव्रता से महसूस किया जाता है। अक्सर ये बच्चे रोते होंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि आप दूसरे बच्चों को चोट पहुंचा रहे हैं। यह दर्द का विचार है जो वास्तविक दर्द की बजाय उन्हें प्रभावित करता है और वे अक्सर दर्द को काफ़ी अच्छी तरह से सह लेते हैं, लेकिन किसी अन्य बच्चों को रोते हुए देखने के लिए साहस नहीं कर सकते। वे प्रकृति का आनंद लेते हैं और संगीत और नृत्य की तरह इसमें शामिल होते हैं। वे हर मायने में संवेदनशील हैं और उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो उन्हें संतुलन से दूर कर सकती हैं, यहाँ तक कि बहुत अधिक खुशी और उत्साह। खुशी अत्यधिक से बीमारियाँ हो जाती हैं। नाटक कोष्ठकम में सब कुछ अतिरंजित करने की प्रवृत्ति है, भावनात्मक बनने और छोटी चीज़ों को नाटकीय बनाने के लिए त्वरित है। ट्रिफल्स के बारे में चिंता, ट्रिफल्स के बारे में रोना, कुछ तरीकों से आप कोष्ठकम को इग्नेशिया मूड परिवर्तनशील के साथ भ्रमित कर सकते हैं। कोष्ठकम के साथ जो देखा जाता है वह बहुत अधिक बलशाली आत्म अभिव्यक्ति है। एक चर्चा के दौरान वे विषय पर चर्चा किए जाने की अपेक्षा से अधिक उत्साहित हो सकते हैं। बहस के दौरान बहुत ज़्यादा उत्तेजित, बहुत अच्छी आवाज़ दी है और स्पष्ट विचार है कि क्या अच्छा है और क्या नहीं। उनके लिए चीज़ें या तो काली या सफ़ेद होती हैं। कोष्ठकम के लिए एक समझौता करना बहुत मुश्किल है। कोष्ठकम के आदर्शों को हमेशा महान शक्ति और दृढ़ता के साथ जोड़ा जाता है। वे आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं जो मजबूत दिखते हैं। वे बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और अपने लिए एक सफल कैरियर बनाने की इच्छा रखते हैं। चुनाव करना उनके लिए बहुत सरल है। उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए, यहाँ तक कि खुद को अभिव्यक्ति करने के लिए उनके तरीकों में आप देखते हैं कि कैसे उनकी शब्दावली और शब्दों की पसंद शक्तिशाली अभिव्यक्तियों और उत्साहवर्धक शब्दों पर केंद्रित है। यह कहना शायद सुरक्षित है कि हर बच्चे को अलग अलग डिग्री में डर है। कुछ बचपन के सामान्य डर हैं जबकि अन्य नहीं हैं। डर की एक निश्चित मात्रा स्वस्थ और समझ में आती है, यह हमें और हमारे बच्चों को नुकसान के रास्ते से दूर रखती है। हम अपने बच्चों को व्यस्त सड़क पर चलने से डरते हैं, अजनबियों से कैंडी स्वीकार करने से डरते हैं, दवा कैबिनेट से अज्ञात पदार्थों को निगलते हैं आदि। ऐसे मामलों में हम अपने बच्चों को परिणाम से डरना सिखा रहे हैं। हम संक्षेप में उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं जो एक ऐसे नौजवान से निपटने से काफ़ी अलग है जो वास्तविक खतरे के बजाय एक काल्पनिक प्रतिक्रिया दे रहा है। कोष्ठकम विशेष रूप से उन बच्चों के लिए अनुकूल है जो डरपोक, घबराए हुए और चिंतित हैं।
और भयावह आशंकाओं से भरे हुए हैं। विशेष रूप से शाम को धुंधलेपन में जब छाया लंब समय तक बढ़ती है और अधिक रौनक होती है, बच्चा अंधेरे में बिस्तर पर जाने से डरता है। यह उस दुर्भाग्यपूर्ण बच्चे पर लागू नहीं होता है जो दोषपूर्ण शिक्षा के कारण इन आशंकाओं को मनोरंजन करता है, लेकिन उस बच्चे को जो तांत्रिक रोग के परिणाम स्वरूप डरता है, अपनी आंखें बंद करते समय वह भयानक चित्र देखता है। बच्चा अशांत और उदासीन होने के लिए उपयुक्त है। एक कोष्ठकम के बच्चे के मामूली से उकसावे से उसके आंसू निकल आते हैं। रोगी या तो शांत और अविश्वास करने वाला होता है या डांट फटकार के साथ गुस्से में फिट बैठता है। वे बात करना सीखने में धीमे हैं। जब वह चलने की कोशिश करते हैं तो बच्चा लड़खड़ाता है। तो यह एक संक्षिप्त विचार था कि एक कोष्ठकम का चाइल्ड हमें कैसे पेश करेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस संबंध में या किसी और समस्या के लिए मेरे से परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाएँ जिससे आगे कोई वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, अब लेता हूँ विदा, मिलते आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।